पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को T20 स्पॉट फिक्सिंग मामले में साथी क्रिकेटरों को रिश्वत देने की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। दो अन्य व्यक्तियों यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज ने PSL खिलाड़ियों को रिश्वत की पेशकश की बात कबूल की है। तीनों की सजा फरवरी में तय की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी फिक्सिंग का प्रयास किया गया था, जबकि PSL 2017 में मैच फिक्स किए गए। दोनों मामले में इस सलामी बल्लेबाज ने एक ओवर की पहली दो गेंदों पर रन नहीं बनाए, जिसके बदले से उसे पैसे दिए गए। जमशेद ने PSL में 9 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जर्मी के बीच दुबई में खेले गए मैच में खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाया था। जमशेद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे और T20 मैच खेले हैं।